मध्य प्रदेश की अजमेरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्राम पंथा में पिछले दिनों सूखे नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इस मामले को लेकर अमझेरा थाना प्रभारी रतनलाल मीना व उनकी टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, जिसके चलते पुलिस को घटना के 11 दिन के बाद ब्लाइंड कत्ल का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों हथियारों एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। अज्ञात शव की पहचान नारायण निवासी ग्राम बदोड़िया के रूप में परिजनों के द्वारा की गई है। पुलिस तफ्तीश में संतोष निवासी धोला हनुमान व मुकेश निवासी ग्राम धोला हनुमान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि आपसी रंजिश व विवाद के कारण उन्हें जंगल में नारायण का गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके शव को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर ले जाकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरदारपुर से संवाददाता दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। दिनांक 26/4/2020 को ग्राम पंथा के जंगल में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसमें से अमझेरा पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कराया गया था। अज्ञात व्यक्ति की पहचान नहीं हुई थी। उसी दौरान उसका पोस्टमार्टम कराया था। डॉक्टर के द्वारा अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि इसकी मृत्यु जो है गला घोटकर हत्या करने से हुई है, जिस पर से थाने पर अपराध क्रमांक 165-20 धारा 302-201 का कायम किया गया था अज्ञात व्यक्ति के। बाद में इस मृतक की पहचान इसके कपड़े और इसके फोटो वगैरह देख के इसकी पत्नी उमाबाई और परिवार वालों ने की थी, जिससे मालूम पड़ा कि यह जो मृतक है ये नारायण पिता अनोखीलाल सुपाल सुकाम निवासी बड़ौदिया का था और करीब पिछले 10-12 साल से बड़ौदिया छोड़कर जामदा भूतिया तरफ ही रहने चला गया था। वहीं पर ये अधिकतर पूरे समय वहीं रहता था। तो कारण क्या रहा है इसमें, जब विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संतोष और मुकेश करके जो है जो धोला हनुमान के रहने वाले हैं और इनकी ससुराल जो है संतोष की वहाँ पे जामदा में है, तो अखातीज के दिन ये संतोष और मुकेश के पास में नारायण मिला था और ये शराब के नशे में था और शराब के नशे में इसने संतोष का गला पकड़ लिया था, गिरेबान पकड़ लिया था और इनके बीच में शराब के नशे में झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर संतोष और मुकेश ने, जब ये नारायण ने जा रहा था पंथा के जंगल के वहाँ, तो उसी दौरान संतोष और मुकेश ने उस बात को लेकर जो शराब के नशे में इसका गला पकड़ा था संतोष ने, इसको नारायण को पकड़ा और इसकी गला घोट के वहाँ मारपीट करके गला घोट के इसकी हत्या कर दी और फिर लाश अपनी मोटरसाइकिल से ले जाके पंथा के नाले में उन्होंने फेंक दी। आदिवासियों का लेन देन इसका जामदा में था, इनसे कोई लेन देन नहीं था, ये तो धोला हनुमान के रहने वाले थे। उसका अधिकतर लेन देन जो था जामदा भूतिया होली बेड़ा उस तरफ ही था। इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इनने जो घटना में मोटरसाइकिल का उपयोग किया था लाश फेंकने में वो भी जब्त कर ली गई है और दोनों से पूछताछ करने में इनने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ हमारे द्वारा ये घटना की गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.